अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अपना CGS का प्रॉब्लम नंबर 5-12 अटेम्प्ट करना है, जो बुक के पेज नंबर 190 पे है। राइट, तो अब देखिए बेटे, सुनिएगा ज़रा ध्यान से बात को। ये एक्सरसाइज नंबर 5-12, 5-13 और 5-18, ये तीन क्वेश्चन जो है ना, वो सेम पैटर्न पे हैं। राइट, अब इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अपना 5-13 जो है वो पहले अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है ना। आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं 5-12, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, 13th कर चुके हैं, 12th इस वक्त मैं कर रहा हूँ, 18 जो है वो अब आप लोग खुद कर लेंगे। तो ये 12, 13 और 18, ये तीन सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। राइट, तो 13th हमने पहले किया है, आज हम 12th देख रहे हैं। राइट, तो अब देखें यहाँ पे क्या कह रहा है। अल मुजम्मिल कम इंडस्ट्री का डाटा दिया हुआ है, ठीक, जनवरी 1st और दिसंबर 31st पे। कह रहा है मटेरियल की इन्वेंट्रीज हैं, वर्क इन प्रोसेस की और फिनिश गुड्स की हैं। अदर इन्फॉर्मेशन दे दी। सारा डाटा देने के बाद पहली रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड करें। ठीक, तो स्टार्ट लेते हैं बेटे रिक्वायरमेंट 1, नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक, एक ही कॉलम बनेगा, यूनिट्स का नाम देंगे इसको हम। तो अब इसके हवाले से प्रीवियस 13th क्वेश्चन में हमारी ब्रीफ डिस्कशन हुई कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड करते वक्त, फाइंड करते वक्त हम क्या करेंगे। नॉर्मल सिचुएशन में हम अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड करते हैं और क्लोजिंग को लेस करते हैं, लेकिन दो सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जिसमें हमें अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री को लेस करना है और क्लोजिंग को ऐड करना है। उनमें से पहली सिचुएशन है जब हमें अपने नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड करने हो, और दूसरी सिचुएशन है जब हमें अपनी परचेजेस की सेल प्राइस फाइंड करनी हो। तो इन दो सिचुएशंस में हम ओपनिंग इन्वेंट्री को लेस करेंगे, क्लोजिंग को ऐड करेंगे। ठीक है, लॉजिक क्या है वो मैं 13th क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये टिप है, लॉजिक पहले बता चुका हूँ। तो बहरहाल आप दोबारा देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड को फाइंड करने के लिए स्टार्ट लेंगे हम यूनिट्स सोल्ड से। तो ये इसने क्वेश्चन में बताया हुआ बेटे, देखें 14,000 यूनिट्स जो हैं वो आप लोगों ने सेल आउट किए हैं। राइट, ये अदर इन्फॉर्मेशन के नीचे, सबसे नीचे रिक्वायरमेंट से ऊपर की दो लाइंस में लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। तो 14,000 यूनिट सेल की हैं। अब इसमें से क्या करेंगे, लेस कर देंगे फिनिश्ड यूनिट्स ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ये उसने बताए हुए बेटे ये 4,000 हैं, ठीक है ना, कितने हैं 4,000 हैं। राइट, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 10,000 लेस करके। फिर ऐड कर देंगे फिनिश्ड यूनिट्स क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये बेटे हमारे पास 3,500 है। ये ऐड करें तो 13,500, ये आ गए हमारे पास यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, ये तो हमने टिप के जरिए किया। लॉजिक हमने क्या डिस्कस की थी बेटे इसकी, कि ये जो हमने यूनिट बेचे हैं 14,000, इनमें सबसे पहले कौन से यूनिट बिके होंगे जो हमारे पास स्टार्ट में पड़े हुए थे। अब वो जो स्टार्ट में यूनिट पड़े हुए थे वो बिके इस साल जरूर हैं, लेकिन वो बने नहीं थे। ठीक है, तो हमने फाइंड करने हैं जो इस साल बने हैं। तो वो जो स्टार्ट वाले यूनिट पड़े थे वो इस साल नहीं बने, वो बने पिछले साल थे, इसलिए वो 4,000 माइनस कर दिए हमने, तो बाकी आ गया 10,000। अब इस साल के एंड पे जो 3,000 बच गए हैं वो इस साल बिके नहीं है, लेकिन बने वो इसी साल है। तो हम फाइंड भी यही कर रहे हैं कि इस साल के बने हुए यूनिट बताओ, तो इसलिए ये 3,500 बीच में ऐड किया है। तो आंसर आ गया 13,500, ये कहलाएगा यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। पहली रिक्वायरमेंट हो गई कंप्लीट। अब दूसरी रिक्वायरमेंट देखें, कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो सी है वो बनाएं। पूरी CGS नहीं बनानी है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक रहना है। तो स्टार्ट लेते हैं बेटे रिक्वायरमेंट 2, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड लिखेंगे सेकंड लाइन में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, और थर्ड लाइन में फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर जो भी है। तो अब हम स्टार्ट लेंगे सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल से। ठीक है, तो अब डायरेक्ट मटेरियल में हम कैलकुलेशन करते हैं पहले एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की, वो क्या होगी। स्टार्ट लेंगे डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग इन्वेंटरी, तो ये उसने 1st जनवरी पर बताई थी 15,000। ऐड करेंगे इसमें हम लोग अपनी परचेजेस को, तो अब देखेंगे अदर इन्फॉर्मेशन में उसने बताया रॉ मटेरियल परचेज 295,000। इनर कॉलम में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है जी कि इस मटेरियल को खरीदने पे, देखें मटेरियल परचेज के नीचे लिखा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और उससे नीचे लिखा है फ्रेट इन, तो फ्रेट इन परचेजेस में ऐड हो जाएगा 4,000, तो आंसर आ जाएगा 299,000। राइट, और साथ ही फ्रेट इन के नीचे लिखा है परचेज डिस्काउंट, तो वो परचेज डिस्काउंट 2,000 बीच में से लेस हो जाएगा, तो बाकी 297,000 परचेजेस की नेट वैल्यू है।
तो आप 15,000 ओपनिंग वैल्यू ऐड करेंगे परचेजेस की नेट वैल्यू 297,000, तो आंसर आ जाएगा 312,000। ये कहलाएगा डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। अब ये जो डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज है, इसमें से लेस कर देंगे हम डायरेक्ट मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंटरी को, तो ये 31 दिसंबर पे उसने बताई है बेटे 20,000। माइनस करें तो बाकी आ गया 292,000। ये कहलाएगा अब हमारा डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, या डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड भी कहते हैं हम इसको। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हो गया कंप्लीट। अब इसमें हम अपना सेकेंड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऐड करेंगे, ऐड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो ये इसने क्वेश्चन में बताई हुई है बेटे ये 106,000 है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 398,000। ये क्या कहलाएगा? प्राइम कॉस्ट। अब ये जो हमारी प्राइम कॉस्ट है, इसमें हम अपना थर्ड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहां लिखेंगे बेटे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। तो उसने क्या बताया, कह रहा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये जो आपकी 106,000 है ना, इसका 75% FOH अप्लाई हुए हैं, तो कितने आ जाएंगे, 79,500। ठीक, तो 398,000 प्लस 79,500, तो ये आ गया 477,500। तो ये क्या कहलाएगा अब हमारे पास, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, या इसे क्या कहा जाता है, टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये दो नाम है इसके, जो भी लिख लें आप। अब इस टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग क्या करेंगे, अपने वर्क इन प्रोसेस को ट्रीट करेंगे। तो क्वेश्चन में वर्क इन प्रोसेस की कितनी इन्वेंटरीज होंगी बेटे, दो। पहले यहां लिखेंगे ऐड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंटरी, तो ये उसने जनवरी 1st पे बताई है 31,500, तो आंसर आ जाएगा 509,000। ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर। अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर है, इसमें से लेस कर देंगे हम वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंटरी, तो ये 31 दिसंबर पे उसने बताई है 28,400, तो आंसर आ जाएगा बेटे 480,600। ये क्या कहलाएगा अब हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, अब इस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में फिनिश गुड्स को ट्रीट करते हैं। तो चूंकि इस वक्त उसने हमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक की ये स्टेटमेंट मांगी है, ठीक है, फिनिश गुड्स तब ट्रीट करेंगे जब वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मांगेगा, ठीक है ना। तो इस वक्त हमें फिनिश गुड्स को इसमें ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट जो सी है बेटे, वो हो गई कंप्लीट, राइट। अब आ जाते हैं बेटे हम अपनी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट नंबर 3 की तरफ। तो अब तीसरी रिक्वायरमेंट में देखें क्या कह रहा है, पर यूनिट कॉस्ट जो सी है वो आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब आप यहां लिखेंगे पर यूनिट कॉस्ट, तो उसका क्या फार्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, ये फार्मूला है। तो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अभी हमने अपनी रिक्वायरमेंट 2 में फाइंड की है, और नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड की हमारी रिक्वायरमेंट 1 में फाइंड हुए, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट 2 में देखें जाके वैल्यू, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी फाइंड हुई है, 480,600, और डिवाइड करना है नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड को, तो रिक्वायरमेंट 1 में ये आए थे 13,500। डिवाइड करें तो आपके एक यूनिट की प्राइस कितनी आ गई, ₹35.6 पर यूनिट, मींस इस साल आपका एक यूनिट 35.6 रुपीस पे बना है, राइट। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट 4 की तरफ। कह रहा है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंटरी ऑन 31 दिसंबर बताएं, मींस फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू बताएं। तो फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंटरी का क्या फार्मूला होगा बेटे, फिनिश्ड यूनिट्स क्लोजिंग इन्वेंटरी, ये है हमारे पास कितने, 3,500। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट कॉस्ट के साथ, तो अब हमारे एक यूनिट की प्राइस कितनी है, अभी हमने फाइंड की, दिस इज 35.6। तो अब 3,500 यूनिट क्लोजिंग इन्वेंटरी में पड़े हैं और 35.6 एक यूनिट की प्राइस है, तो ये कितना आ जाएगा, ₹124,600। तो ये हमारी फोर्थ रिक्वायरमेंट हो गई कंप्लीट, राइट। अब आ जाते हैं फिफ्थ रिक्वायरमेंट की तरफ। वो कह रहा है बेटे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट जो सी है, अब वो आप बनाएं। तो अब आप अगेन 3 लाइंस यूज करेंगे, पहली में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, और थर्ड में आप लिखेंगे बेटे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, जो भी दिया है। अब CGS में हमने फिर वही मटेरियल से ही स्टार्ट लेना है, लेकिन चूंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हुए हैं, इसलिए हमें दोबारा मटेरियल से स्टार्ट लेने की जरूरत नहीं है। आप यहां लिखें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये कितनी फाइंड की थी रिक्वायरमेंट 2 में, 480,600। तो यहां आप साथ लिखें विद इन ब्रैकेट रिक्वायरमेंट 2, 480,600। अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, इसमें हम अपनी फिनिश्ड गुड्स को ट्रीट करेंगे। तो क्वेश्चन में फिनिश गुड्स की बेटे कितनी इन्वेंटरीज होंगी, दो। पहले लिखेंगे यहां पे ऐड फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग इन्वेंटरी, तो ये देखें बेटे उसने क्वेश्चन में बताई हुई है ये 134,000 है,
ऐड करें 1 जनवरी पे, तो ये आ गया 614,600। ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब इस कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से हम लेस कर देंगे फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री को। तो अब ये उसने क्वेश्चन में नहीं बताई थी, तो अभी हमने अपनी रिक्वायरमेंट में फाइंड किया ऐसे कि ये 124,600 है, रिक्वायरमेंट थ्री में फाइंड किया है। तो आप यहाँ लिखें रिक्वायरमेंट थ्री इसके सामने 124,600, लेस करें तो आंसर आ जाएगा 490,000। ये कहलाएगा बेटे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 490,000। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट फाइव पूरी होगी, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट सिक्स में वो कह रहा है बेटे ग्रॉस प्रॉफिट टोटल भी फाइंड करें और पर यूनिट भी फाइंड करें। तो नहीं बेटे, पहले आ जाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट टोटल की तरफ। तो वो कैसे आएगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमने सेल्स कितनी की हैं, 14,000 यूनिट बताए हैं उसने, ठीक है, और कह रहा है एक यूनिट 52 पे सेल किया। तो अब हम क्या करेंगे, 14,000 मल्टीप्लाइड बाई 52, तो 728,000 चीज़ों की सेल प्राइस आ गई। लेस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो वो अभी हमने अपनी रिक्वायरमेंट फाइव में फाइंड किया कि ये 490,000 है। तो अब 728,000 में से 490,000 माइनस करें तो ये आ गया 238,000। ये कहलाएगा अब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट टोटल वाला है। अब उसने इसी रिक्वायरमेंट में कहा कि पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट भी फाइंड करें। तो पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, ये जो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है ये हमें कितने यूनिट पे हुआ है, 14,000 पे, ठीक। तो अब अगर हम इसको 14,000 यूनिट पे डिवाइड करें तो हमारे पास एक यूनिट का जीपी आ जाएगा। तो अब देखें पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, फिर टोटल ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट सोल्ड, ठीक है। तो अब टोटल ग्रॉस प्रॉफिट 238,000 डिवाइडेड बाई यूनिट सोल्ड कितने हैं, 14,000। तो ₹17 पर यूनिट ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो कंप्लीट हुआ, ठीक है बेटे।